ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। साल के अंतिम महीने दिसंबर के पहले पखवाड़े में कड़कड़ाती सर्दी ने अपने जलवे दिखाकर हर एक में ठिठुरन भर दी है। सर्दी के इन दिनों में भी नगर निगम मुसाफिरों के लिए पुख्ता इंतजाम करने में नाकाम नजर आ रहा है। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा संचालित होने वाले नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरे बनाए, जिनका नाम अब आश्रय स्थल कर दिया गया है। शहर में निगम 4 आश्रय स्थल संचालित होना बताता है, जो देख रेख के अभाव में अपने मूल उद्देश्यों से भटक रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में रात गुजारने के लिए मुसाफिरों के लिए उपयोगी है, लेकिन निगम ने महू बस स्टैंड पर सुभाष चंद्र मार्केट की दुकानों में संचालित रैन बसेरा बंद कर संकट खड़ा कर दिया। रैन बसेरे में अब ताला लगा है, ये स्थल क्यों बंद किया गया कोई जिम्मेदार नहीं बता पा रहा। अब बस स्टैंड पर आने वाले मुसाफिरों को बस स्टैंड में सर्द भरी हवाओं के बीच रात गुजारना मजबूरी बन गया। सर्द भरी रातों में मुसाफिर रात गुजारने के लिए आशियाना तलाशते हैं। ऐसे लोगों का कहना है बस स्टैंड का रैन बसेरा तालों में कैद है, वहीं पिंजरा पोल वाले रैन बसेरे जाओ तो बिना आधार कार्ड के सोने नहीं देते। क्या नाम है आपका? बुरा। कहाँ से आए हो? बाहर से आयो, धराड़ से। अभी आप रैन बसेरे से गए थे, रैन बसेरे में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, टूटा फूटा पूरा, वहाँ तो गद्दे वद्दे सब पूरे खराब पड़े हैं। आज पिंजरा पुल रैन बसेरे में आप जाते हो तो क्या होता है? आधार कार्ड मांग रहे हो? और आधार कार्ड सिलाते नहीं तो सोने नहीं देते वहाँ? हाँ आधार कार्ड तो सी है, यूँ कहते हैं। इतना ही नहीं, निगम ने सर्दी पूरे शबाब पर होने पर भी अलाव की अब तक व्यवस्था नहीं की। नागरिकों को स्वयं व्यवस्था कर अलाव जलाकर तापना पड़ रहा है। क्रिसमस एवं नववर्ष के आयोजन चर्च में शुरू हो गए हैं। रविवार को सालाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च CNI में चर्च एवं संडे स्कूल क्रिसमस टी का आयोजन किया गया। सुबह आगमन का चौथा रविवार को सफेद भेंट की आराधना की गई। आराधना में श्रीमती रोजमेरी कटारा, श्रीमती शिरीन सोलमन, भूमिका क्रिस्टी एवं महिला सभा ने समाजजनों से भेंट ली। सफेद भेंट की आराधना में मिलने वाली भेंट में कपड़े, रोजमर्रा की वस्तुएं तथा नकदी राशि दी जाती है, जो समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचाकर क्रिसमस की खुशियों को शरीक किया जाता है, जिससे समाज का हर एक वर्ग क्रिसमस डे उत्साह के साथ मना सके। शहर की सफाई व्यवस्था सुधरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। व्यवस्था में जनता के साथ नगर निगम अमला भी पूरी तरह से दोषी है। हरदेव लाला की पिपली से तोपखाना जाने वाले मार्ग पर नाला लंबे समय से जाम हो रहा है। इस नाले से हो रही दिक्कतों को जब नागरिकों ने शिकायत इसकी की तो निगम प्रशासन ने नाला तो साफ नहीं करवाया, बल्कि नए नाले के लिए खुदाई करवा दी। खुदाई के बाद निगम के ठेकेदार ने कछुए की चाल से काम शुरू किया, जो क्षेत्रीय रहवासियों के लिए संकट बन गया। बताया जाता है एक माह से अधिक समय हो गया नाला निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे रास्ता बाधित हो रहा है। इस क्षेत्र के रहवासी बताते हैं कि अब तो नाला निर्माण के लिए लाई गई सामग्री भी चोरी होने लगी, बावजूद इसके निगम बेपरवाह बना हुआ है। कभी भी सिटी इंजीनियर मौका मुआयना तक नहीं करते, जबकि निगम के पास वार्ड के हिसाब से सिटी इंजीनियर है। इस क्षेत्र के रहवासी बताते हैं कि इस अधूरे निर्माण के कारण जहां रास्ता अवरुद्ध होकर यातायात पंगु बना हुआ है, वहीं क्षेत्र का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। अरे ये क्या है कि आसपास के सामने की जो नाली थी जाम हो गई, अभी नया निर्माण हुआ मकानों का तो रेती गिट्टी सब नालियों में जाम हो गई थी, वो नाली जो है रोड के लेवल पे आ गई, तो नाली साफ ना करते हुए इन लोगों ने क्या नया नाला खोद दिया। और जनता इतनी परेशान है, शादी का मौसम है, सारे बेचारे बिजनेसमैन है, व्यावसायिक लोग बेरोजगार हो गए, एक एक आदमी को कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो गया, इनको घर चलाना मुश्किल हो गया, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। CM लाइन पर भी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक्सीडेंट आए दिन होते रहते, छोटे बच्चे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे रोते हुए डरते हुए जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी डरते हुए जाते हैं, गिरते हैं, हम उठाते हैं, उठा उठा के हम परेशान हो गए, परंतु कोई देखने वाला नहीं है।
कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये? तोफाना मेन रोड है साहब, चांदनी चौक। यहाँ पे करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, बाहर के व्यापारी आते हैं सोना खरीदने के लिए, उनके सामने नगर की छवि खराब हो रही है, नगर निगम की छवि खराब हो रही है और रतलाम की छवि खराब हो रही है, जनप्रतिनिधि की छवि खराब हो रही है। हमारा निवेदन है कि इसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करवाइए। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या सर ये एक महीना हो गया जिसको काम चलते हैं, एक महीने में मुश्किल से 15 दिन काम चला, तो काम अभी बिल्कुल अधूरा है। और काम तो दुकान का आज एक महीने से सब पड़ा, देखो कवर करो, हमारी दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है एक महीने में, कोई सुनने को तैयार नहीं। सीएम हेल्पलाइन पर 2 बार कंप्लेंट कर चुके, कोई अधिकारी आके देखने को तैयार नहीं है। हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है वो आके यहाँ स्थिति देखे, वर्क की क्वालिटी देखे, कैसी क्वालिटी है। उसमें नाला फेल है, सब मोहल्ले में सबकी निगाह में नाला फेल है, पानी की बड़ी पाइपलाइन जा रही है, उसके अलावा अदर केबल्स बहुत सारी है, तो इसका कोई उपयोग ही नहीं है। हेरोलाल बोलिए, किस तरह की समस्या आ रही है आज? क्या यह समस्या यह है कि यह एक 1.5 महीना यहाँ होने को आया है और हमारे यह दुकानदारी भी बहुत हो गई और हमारे तो खाने पीने की समस्या भरा गई और यह ट्रैफिक दोनों तरफ से भयंकर जाम हो रहा है, नीचे मकान से नीचे उतरने में तकलीफ आ रही है। मोटा जनधन खर्च करने के बाद भी स्वच्छता में शहर पिछड़ता ही जा रहा है। स्वच्छता परीक्षा में निराशाजनक परिणाम मिलने के बाद अब नगर निगम ने लाखों रुपए में रतलाम को स्वच्छ बनाने के लिए इंदौर टीम को सर्वे का काम दिया था। इसी टीम के सहयोग से इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है। अब ये टीम रतलाम में स्वच्छता को लेकर सर्वे कर रही है। टीम के द्वारा बताया गया कि सर्वे के दौरान बहुत सारी खामियां निकलेगी जिन्हें दूर किया जाएगा। स्वच्छता ठेकेदार की टीम रतलाम पहुंची और नगर निगम के सार्वजनिक शौचालयों की पड़ताल की। ये टीम शहर को स्वच्छता के लिए फिर प्रयास कर अच्छे परिणामों के लिए काम कर रही है। सब्जी बेचने रतलाम मंडी जा रहे एक कृषक को कार ने टक्कर मार कर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक जामथुन के ग्राम पथपाड़ा के कृषक जगदीश पिता शंभु खराड़ी अपने खेत की सब्जी नीलाम करने पावर हाउस रोड स्थित सब्जी नीलाम मंडी जा रहे थे, तभी सालाना और ब्रिज पर तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे वो गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती घायल जगदीश ने बताया, ये मैं मंडी गया था सब्जी लेने, मैं लेके जा रहा था तो पीछे से कार आई और उसने टक्कर मार दी, हाँ फिर चला गया, मैं नीचे गिर गया। आप कौन सी गाड़ी से? वो कार थी उनके पास, मैं बाइक से जा रहा था, टमाटर सब्जी बात। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।